वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो नंबर 11 है। इसका पहले 10 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सभी लोग से हम बोल रहे हैं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि वहां पर आपको वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग वहां पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने में अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स को देखते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का अथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर यश राधा कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। जो हमारा झंडा है उसमें तीन रंग है, जो भगवा रंग है या केसरिया रंग, वो आपको त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक माना जाता है, भगवा या केसरिया रंग को, ठीक है। हमारे झंडे के मध्य में जो है सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है, जबकि हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जो चक्र है वो किस चीज का प्रतीक है? तो चक्र जो है आपके प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है, चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तीन रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है, ठीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसे याद रखिएगा, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, ठीक है। लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, ये लंबाई हो गया, ये आपकी कितना है 3 है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपकी 2 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत या शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है, ठीक है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर जिसमें कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं, ये चीज ठीक है, जिसमें 24 तिलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका प्रारूप जो है सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सारनाथ किस राज्य में स्थित है। यह न्याय का प्रतीक है, ठीक है, यह न्याय का प्रतीक है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। पिंगली वेंकैया द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृति स्वीकृत किया गया, या स्वीकृति उसकी दी गई 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप को, ठीक है। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो है यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है किससे लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जनगणमन
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रगान जनगणमन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, ठीक है। इसके गायन की अवधि कितने सेकंड होती है? तो इसकी गायन की अवधि 52 सेकंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, किसे? जनगण मन को, जो राष्ट्रगान है अपना। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम जो है वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था, तो वर्ष 1950 में राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसे कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन है। हिंदी में जो है चैत माह पहला होता है और लास्ट माह आपके अंतिम महीना फागुन होता है, ठीक है। अंतिम महीना फागुन होता है। इसे ग्रेगेरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है, ठीक है। इसे ग्रेगेरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। समानता चैत माह की शुरुआत जो है 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है, ठीक है। इसे याद रखना है कि समानता जो है चैत माह की शुरुआत 22 मार्च को होती है, लेकिन लीप वर्ष में जो है 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन, वैज्ञानिक नाम इसका है प्लैंटानिस्टा गंगेटिका, ठीक है। तो गंगा की डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, बाकी भी एग्जाम बार बार पूछता है उस क्वेश्चन को, ठीक है, कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है भारत के, तो गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट है कि भारतीय मोर जिसका वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस टेटस, ठीक है, पाबो क्रिस टेटस। भारतीय मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस, को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में जो है भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा नदी है। इसे घोषित कब किया गया था? 2008 ईस्वी में इसे घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा जो है स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों चीज। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 1950 में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? तो 52 सेकेंड है, कितना है? 52 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल है, तो 52 सेकेंड है, ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह
कब से अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को जो है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सी स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। सारनाथ जो है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को जो है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में जो है 24 तिलियां तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 होती है और चौड़ाई आपकी 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है तो विचार कर लीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, तो सही बात है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं, तो गलत है। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई 3 है और लंबाई 2 है, तो ये भी आपके गलत हो गया। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा? केवल 2 आपके सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 सही उत्तर हो जाएगा, बी। यहाँ पर केवल बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3 तो गलत है ना। ठीक है, तो केवल 1 राइट हो जाएगा और उत्तर में बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। ठीक है, बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। ठीक है, बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई, और हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में। ठीक है, के जो बाघ परियोजना 1973 में और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। ठीक है, कमल है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलेम्बो न्यूसीफेरा है। ठीक है, याद रखिएगा, नेलेम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। ठीक है, मोर है, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस्टेटस। अध्यातव है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते। किसे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो आपको ध्यान रखना है किसका प्रतीक है, वो न्याय का प्रतीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सी स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां हैं, यह न्याय का प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह उत्तराखंड पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरओ की कुल संख्या कितना है? ठीक है, तो कितनी है? 24 है। कितनी है? 24, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा ऐसे कथन सही है? तो देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत से पर आधारित है, तो गलत है, शक संवत पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? शक संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये भी आपकी गलत है, तो दोनों गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी आपके सही नहीं है। जो आपके राष्ट्रीय पंचांग है इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और समान वर्ष 365 दिन का,
और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र का पहला दिन समान था 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।